हम जहाँ तक हो सके नवी स्टोरीज पब्लिक तक पहुँचाने के, इसलिए बेसिकली नाम ही हमने स्टोरी टेक इसलिए रखा है। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स टू द इंडस्ट्री और साथ में फैमिली कॉन्सेप्ट जो मिसिंग है ओटीटी से। ओटीटी इज मोरली ऑफ यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। वी आर ट्राइंग टू गेट अ फैमिली कंटेंट बैक टू द ओटीटी एंड टेलीविजन। जैसे हम लोग ये देख रहे थे कि आज के तारीख में ज़्यादातर लोग मोबाइल से लगे हुए हैं, तो लोगों का ये इंटरेस्ट रहता है कि नवी चीज़ें मोबाइल पे कैसे एक्सप्लोर की जाए। हर चीज़ का एक माइंडसेट रहता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो एक नवी चीज़ देखने में हर एक का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो दैट वाज़ द बेसिक कंसेप्ट। मैं आपके से अपने वो अनाउंसमेंट तो 10 मिनट में मिल ही जाएगा आपको। अलग अलग तरीके के कंटेंट्स हैं इसमें, थ्रिलर भी है, जैसे फैमिली इंजॉयमेंट भी है, कॉमेडी भी है, सभी कुछ मिलेगा आपको। आपको बच्चों के लिए भी कंटेंट मिलेगा इस पर, बड़ों के लिए भी मिलेगा, जहाँ बच्चे और बड़े मिलके देखे और कुछ नया सीखे, उस चीज़ पे हमारा ज़्यादा जोर है। दोनों रहेंगे, वेब फिल्म, शॉर्ट फिल्म एंड वेब सीरीज। वेब सीरीज ऑल। वी वुड बी हैविंग एनिमेटेड सीरीज ऑल्सो। हम लोग VFX बेस्ड प्रोडक्ट्स भी ज़्यादातर काम उस पर भी चालू है हमारा, बट एवरीवेयर इट्स लाइक यू शुड हैव समथिंग न्यू टू सी, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको कुछ सिखा के जाए। हमारे बचपन में हमको ये सिखाया गया था कि हर कहानी की कोई सीख होनी चाहिए, सिर्फ कहानी देखने के लिए नहीं होनी चाहिए, तो उसी बेसिक कंसेप्ट पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ डेक ऑफ स्टोरीज। इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन, हर इंडस्ट्री में होता है, तो कॉम्पिटिशन इज समथिंग दैट वी विल हैव टू सर्वाइव इट। बट हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव टू स्टैंड आउटसाइड द आउट ऑफ द क्राउड। जब तक हम लोग आउट ऑफ द क्राउड सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे पास कोई आएगा नहीं। इफ इट्स द सेम एवरीवेयर, इट्स डिफिकल्ट। यस, वी आर डूइंग दैट अंडर डी मोशन पिक्चर्स। प्रोडक्शन हमारा डी मोशन पिक्चर्स के अंडर है, फिर हम नए आर्टिस्ट को चांस भी दे रहे। वी आर, यू विल सी एन अनाउंसमेंट वेर वी हैव चांस, वेर वी आर गिविंग चांस टू न्यू एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टू डांसर्स। उसका एक टैलेंट हंट भी होगा। जो हमारे यूथ है जो शॉर्ट स्टोरीज खुद बनाती है पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उसको शोकेस करने के लिए, उसके लिए भी एक शोकेस प्लेटफॉर्म भी हम लेके आए हैं, दैट दे विल बी गेटिंग शोकेस ऑन आर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। सो इट्स अ मल्टीवर्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। पर हर इंसान को वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता इतने आसानी से। यहाँ पे आप आपकी स्टोरी सबमिट कर सकते हो, इफ़ योर क्वालिटी इज़ गुड इनफ वी विल बी शोकेसिंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू विल गेट रेवेन्यू लाइक यूट्यूब। यस, बट यूट्यूब में अक्सर क्या होता है, रेवेन्यू मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हियर इट वुड बी इजियर इफ़ योर क्वालिटी इज़ गुड, वी आर प्रमोटिंग योर कंटेंट एज वेल। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन हिंदी, बट वील बी, वी हैव ओपन टू गुजराती ऑल्सो, बंगाली ऑल्सो एंड साउथ इंडियन कंटेंट्स भी हम लोग ऐड करने की कोशिश चल रही है। यस यस, वी आर ओपन फॉर पंजाबी मूवीज, वी आर ओपन फॉर भोजपुरी मूवीज, वी आर ओपन फॉर तेलुगु मूवीज, तमिल, कन्नड़, वी आर ओपन टू ऑल। इट्स एन पैन इंडिया प्रोजेक्ट। राइट नाउ वी हैड प्लान्ड इट एट 299 पर एनम, बट वी आर गिविंग अ लॉन्च डिस्काउंट एट 199 पर एनम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। अभी तो स्टार्ट किया है सर, देखेंगे आगे और क्या क्या होता है। एम शर्मा इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर वेब सीरीज, वेब फिल्म दैट्स कमिंग अप। यस, विवेक दहिया इज देयर, वेब फिल्म है जिसमें विवेक दहिया है। हमने एक कंटेंट लाया है ब्लैक जस्टिस, दैट इज अ कोर्ट रूम ड्रामा। आप उसको एक्सेस करके ये देख सकते हो कि हमारे लीगल सिस्टम से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है,
और उसके लिए क्या सुधार लाना ज़रूरी है, उस बेसिस पे हमने ये भी किया है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नहीं अभी के लिए देयर इज नो रेंट पे। व्हेन यू हैव सब्सक्राइब ऑल द कंटेंट दैट वी हैव विल बी फ्री फॉर यू। काम कर लिया ऑलरेडी, मेरी एक फिल्म कंप्लीट है इनके साथ, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग और आज लॉन्च हो रहा है तो खुशी की बात है। हम लोग तो जुड़े हुए हैं पहले से ही, तो ये अच्छी बात है कि मैंने इनके साथ एक फिल्म कंप्लीट की है, मेरा बाप कौन है। उसमें समीक्षा भटनागर हैं, विवेक दहिया हैं और जाकिर हुसैन है, सुनीता राजभर है, राकेश बेदी हैं। तो बड़ी अच्छी फिल्म बनी है जो जल्दी शायद पहली 5 में ही रिलीज़ होगी वो। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो ये लॉन्च हुआ है, अब रिलीज़ होगी मेरी फिल्म, तो आगे भी कर ही रहा हूँ, बातें चल रही हैं। हाँ अच्छा है, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा साफ सुथरा कंटेंट बना रहे हैं। तो यही है कि अगर जिस ढंग से सोच के साथ आए हैं, जिस सोच के साथ आए हैं, उस सोच के साथ काम करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, ऑडियंस जुड़ेगी, लोग जुड़ेंगे। मैं चाहता हूँ जो ये सोच के आए ना, जो साफ सुथरा कंटेंट ये बना रहे हैं, फैमिली ड्रामा मैंने बनाया है इनके लिए, बच्चों की फिल्म है, बहुत ही प्यारी बच्चों की फिल्म है, टाइटल है मेरा बाप कौन है। अगर ऐसा सिनेमा बनाएंगे तो डेफिनेटली लोग देखेंगे, डाउनलोड। यस यस, क्या 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 आपको बताना? फाइन वेल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिजनेस हेड हूँ देवमोशन प्राइवेट लिमिटेड का। एक बार वापस करते हैं, सॉरी बता दो। रेडी? वेल थैंक यू आप सबका, और मैं देवमोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस हेड हूँ और स्टोरी डेक को एज एन चैनल हेड मैं हेड कर रहा हूँ। बहुत सारे शोज हैं आप सबके लिए, चैनल नया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इस नए चैनल को उसी तरीके से प्यार करेंगे जैसे आप एक नए बच्चे को, एक नए जीवन को आप प्यार करते हैं। बहुत सारे शोज हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके के शोज लाएं जो आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकें। शोज जैसे मसाला चाय विद राहुल महाजन हम लोग लेकर आ रहे हैं राहुल महाजन सर के साथ, अवरुद्ध है, ब्लैक जस्टिस, हयात, मेरा बाप कौन है, नाइट ड्राइवर, मांगलिक, शहरी, घर घर चला, रसगुल्ले लाल, टैलेंट हट, थ्री कपल, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हम लेकर आ रहे हैं शॉर्ट फिल्म्स के लिए, जूलिया, और एक मोटिवेशनल शो होगा एक शाम आपके नाम, जाफर, बटरफ्लाइज, और एक VFX से भरा हुआ शो होगा जिसका नाम होगा भगवान और शैतान चले हॉलीडे पर। तो ये सारे शोज हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना प्यार हमें इसी तरीके से देंगे। थैंक यू वेरी मच। बच्चों के लिए हम एक शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है गुरु, और जो 300 एपिसोड्स का होगा वो एक अलग ही जादुई दुनिया होगी। 7 दुनिया का एक शो है जिसमें बच्चे 7 तरह की दुनिया देखेंगे वो, और हमारे जितनी भी संस्कृति है उनसे वो जुड़ेंगे। तो बच्चों के लिए हम एक शो लेकर आ रहे हैं। पब्लिक के लिए कंटेंट में क्या कुछ आप फिलहाल दे रहे हैं? फिलहाल कंटेंट में सर हमारे पास कम से कम 8 से 10 शोज़ हैं और सारे कॉमेडी के साथ है, आप थ्रिलर्स हैं, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख पाएंगे। आगे सर हम लोग काफ़ी सारे अभी टाइप्स कर रहे हैं, बहुत तरीके से हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं ताकि स्टोरी डेक पहले तो लोगों के सामने आए, और हम आपको 100% ये गारंटेड करते हैं कि आपको जो भी शोज हमारे पास मिलेंगे वो अभी तक के जितने शोज आते हैं उनसे आपको अलग सब्जेक्ट और एक अलग तरीके का प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। हाँ हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो हम लोग हिंदी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सर। थैंक यू। हाय, मेरे नाम मनीषा रावत है और मैंने स्टोरी डेक के साथ हयात में हयात का किरदार निभाया है, और ये मेरा पहली बार OTT में एक डेब्यू होने वाला है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी। सो सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी पल्लवी मैम, आनंद सर,
हरीश जी, खुशबू जी, हमारी डायरेक्टर, हमारी पूरी टीम, डीओपी सर एंड सब लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड ऑल्सो बिग थैंक यू टू माई को एक्टर अहम शर्मा, जो कि आज अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं है, वो दिल्ली में है, वो अपने काम में बिजी है। सो बहुत अच्छा ये काम रहा। एंड और कुछ तो ज़रूर बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरा काम जाके बोलेगा। सो आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि जब OTT प्लेटफॉर्म में आप आते हैं तो आपको कुछ हटके करने को मिलता है। एक्टर जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, उसे खेलने को चाहिए, राइट, एक्सपेरिमेंट करने को चाहिए। तो अगर हमें एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है एंड ऑल्सो बहुत प्यार से काम होता है तो बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, आई एम रियली फीलिंग गुड, क्योंकि एक OTT प्लेटफॉर्म न्यू लॉन्च हुआ है। एज एन एक्टर अच्छा लगता है जब न्यू चैलेंजेस आते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो हमारे जितने आर्टिस्ट को भी काम मिलता है। सो इट्स रियली वंडरफुल। एंड अभी तो मैं एसोसिएट हुई हूँ, काम हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। ये शुरू किया है तो एटलीस्ट इसको उस लेवल में पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल के जो ऑडियंस है, दे ऑल आर लविंग इंटरनेट, मोबाइल OTT प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल्स व्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट वे टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। देखिए काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, आई गेस लॉकडाउन के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारी मतलब अपन्स डाउन में चल रहा है। आजकल भी बहुत सारे ऑडियंस जो है हमारे क्रिटिक्स बन चुके हैं। सो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसके बारे में इतना बुराई कर देते हैं, हम लोग वो देखना पसंद नहीं करते हैं, लिटरली जो हमारे ऑडियंस है, जो ले मैन है। सो आई गेस OTT रहेगा तो उनके पास ऑप्शंस रहेंगे, अगर पसंद नहीं है दे कैन चेंज देयर चैनल्स एंड स्विच देयर प्रोजेक्ट्स। सो इस बेसिस में OTT प्लेटफॉर्म, आई गेस दिस इज द बेस्ट वे एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर आर्टिस्ट, फॉर ऑडियंस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। बहुत खुश हूँ, StoryDeck बहुत अच्छा नाम है, इनका लोगो भी बहुत अच्छा है और इनका ऐप बहुत अच्छा है। मुझे काफ़ी सारे ऐप पसंद नहीं आते, नेविगेशन अच्छा नहीं होता, ऐप भी अच्छा है। और इसमें एक अच्छी बात ऐसी जो शायद हम बाद में बोलने वाले थे, इसमें मेरा भी एक शो आ रहा है जो जल्द हम बताएंगे, आज नहीं मगर जब तैयारी होगी तो बताएंगे। मैं एक शो पे वर्क कर रहा हूँ जो StoryDeck पे जल्दी आएगा, बहुत एक्साइटिंग, कुछ नई कॉन्सेप्ट है, सो इट विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो मेरा खुद का शो होगा, टॉक शो टाइप का है, टॉक शो है जैसे टॉक शो, मतलब जैसे मेरे ख्याल से मेरे लिए ना सिमी गरेरा का जो शो था टॉक शो, वो एक बहुत अच्छा होता था। आजकल बातें नहीं होती, आजकल मस्ती मजाक या तो खेल ऐसे सब होता है, दिल से दिल की बात नहीं होती। तो मेरे टॉक शो में देश दुनिया की सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स स्टार, पॉलिटिशियन, ऐसे सारे लोग होंगे जो दिल से बात करेंगे, अपनी दिल की बात होगी। सो इट विल बी वेरी टॉकी एंड दिल खोल के बात करना, सवाल पूछना, पब्लिक के सवाल पूछना, तो बहुत इनडेप्थ ऐसा बहुत अच्छा इंटरव्यू शो होगा। जो अच्छा लेंगे, अलग अलग लोग लेंगे, ज़रूर लेंगे, और जो इंटरेस्टिंग लोग उनके लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द आर्मी सोल्जर्स हो या कहीं कोई भी लोग जिन्होंने कुछ किया है और जो अच्छे से बोल पाते हो, जिनसे बोलने से लोगों को आखिर मनोरंजन होना चाहिए। अब मैं किसी को लेके आऊँ देश दुनिया का फेमस हो और वो बोल ना पाए, तो जिनकी कहानी मज़ेदार हो, जिनकी कहानी इंटरेस्टिंग हो, जिनका संघर्ष हो, जिनमें कुछ तो इंटरेस्टिंग हो, वो जरूर लोगों को लाएंगे। और उनकी बारे में जो बातें जो आप अदरवाइज यूट्यूब या आप इंस्टाग्राम पे देख नहीं पाते होंगे, वो ऐसी बातें आपको मिलेगी। हमें देख ही रहा था, अभी मैं शो देख रहा था, पॉज करके आया हूँ। सो अभी शो का नाम भी लूँगा, फिर किसी और प्लेटफॉर्म में था, पर मैंने कहा सोन ऐसा हो जाएगा कि मैं StoryDeck पे सारे अपने शो देखूँगा, इंक्लूडिंग माई ओन शो। हाँ जरूरी है, मेरे ख्याल से हाँ। मैं अभी जो एक सीरीज देखा था उसमें बहुत सारी गालियाँ थी, तो मेरी मम्मी बाजू के रूम में थी, तो मेरे को अपना रूम का दरवाज़ा बंद करना पड़ रहा था,
कि मम्मी गालियाँ ना सुने। तो यहाँ मेरे ख्याल से स्टोरी टाइप में बहुत फैमिली ओरिएंटेड कॉन्टेंट्स है एंड पूरी फैमिली देख सकती है बैठ कर, तो अच्छी बात है। कई बार OTT ओवर द टॉप है ना, तो वो मेरे ख्याल से लोग उसका मतलब ये नहीं समझते कि वो इंटरनेट स्पीड हो या टेक्नोलॉजी हो, लोग समझते ओवर द टॉप गालियाँ भी देनी चाहिए, ओवर द टॉप एडल्ट कंटेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो बहुत तकलीफ देता है, और इट शुड बी लाइक फैमिली TV चैनल जैसे होता है वैसा होना चाहिए। नहीं वो मैं कैसे बताऊंगा अभी, जब हम लोग उसकी रिलीज का बात करेंगे, बिकॉज वी नीड टू स्टिल वर्क ऑन द शो, क्या क्या लोग कैसे लोगे। वो बहुत मज़ेदार शो होगा, ऐसा शो आपने देखा नहीं होगा कहीं भी। नहीं मैं देख नहीं रहा हूँ अभी तक। हाँ कितने अब बिट बाय बिट देखता हूँ मैं, नॉर्मली देखता नहीं पूरा का पूरा, मुझे बुलाया हो तो फिर देखता हूँ ना, अगर ऐसे नहीं देखता हूँ बैठ कर। ओके थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। सो ये मांगलिक की टीम है, मांगलिक वेब सीरीज जिसके लीड है मोहित नैन, प्रोड्यूस बाय मैम, म्यूजिक डायरेक्टर साजिद भाई, डायरेक्टेड बाय मी। ये बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पल्लवी मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा उनके स्टोरी डेक के लिए, और दूसरी बात मैंने मांगलिक की जैसे स्टोरी सुनी थी तो आजकल सबसे बड़ी बात यही हो रखी है कि स्टोरी इज़ द हीरो ऑफ एनीथिंग, वो चाहे वेब सीरीज़ हो या फिल्म हो। तो मुझे कहानी इतनी पसंद आई थी जिस वजह से मैं हाँ बोल पाया था। तो आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैम का ये हर किसी का एक प्लेटफॉर्म बच्चा होता है, तो उनका बच्चा आज बड़ा होने लगेगा आज के बाद से। तो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर एंड ऑल द बेस्ट टू हर, एंड वी आर होपिंग कि हम अच्छा कंटेंट बना के लोगों तक पहुँचाएँ, और आप लोगों का प्यार चाहिए बस। जी हाँ मैं हयात के लिए, जी हाँ इस वेब सीरीज़ में मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ और बैकग्राउंड स्कोर कर रहा हूँ, और इनको बहुत बहुत बधाई। और इनके साथ जुड़ के पहले भी मैंने खुशबू जी के साथ काम किया, अवरूद में एज ए कंपोज़र काम किया के गाने किए, तो फिर से कुछ और अच्छा करने को मिल रहा है, हट के कुछ करने को मिल रहा है वेब सीरीज़ के लिए और वेब मूवी के लिए भी। तो बस वैसे मैं यहाँ पे एज एन डायरेक्टर, मांगलिक मेरा प्रोजेक्ट है, मैं उसमें राइटर डायरेक्टर हूँ उसकी, और बहुत ही हटके, जैसा उसका नाम बहुत हटके है मांगलिक, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ही हटके है। और मुझे लगता है उसको बनने के बाद जैसा बोलते हैं ना कुछ नया आना चाहिए, तो मुझे लगता है पब्लिक उसे कुछ नया आना चाहिए उसके बिहाफ पे ज़रूर देखेगी। एंड थैंक यू। एक्चुअली इनकी सारी कहानियाँ ही मुझे पसंद है, इनका लिखने का तरीका, और उस बिहाफ पे मैंने इनकी स्टोरी को सुना और फिर उसको करने की सोची है। वैसे एक एक स्टार उसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि अच्छा ही कंटेंट बनेगा जो आप सबको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यही इसका बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको बस जोनर बता सकता हूँ उसका, हॉरर और थ्रिलर, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रजवाड़ू फिल्म का नाम है रजवाड़ू, एंड बेसिकली OTT तो यस, और हमारा जो कंटेंट है एक जो हमारा दूसरा कंटेंट है ब्लैक जस्टिस, जो इन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ है, तो ये दोनों तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रोजेक्ट इनका आने वाला है, एक ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए उसको। सर मैं ब्लैक जस्टिस के बारे में बताऊंगा मैं कि बेसिकली ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर काफ़ी फ्लॉज है। पब्लिक के टैक्स के पैसे से चलता है हमारे इंडिया के कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, और जब न्याय मांगने जाते हैं तो इंसान खुद ऐसे झुक के खड़ा है, तो वो गलत है। तो उस फ्लॉज पर अंडरलाइनिंग करते हुए जुडिशियल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, उस पर केंद्रित करता है पूरा ब्लैक जस्टिस।
ये इसी ब्लैक जस्टिस का हिस्सा है, इनसे बात कीजिए आप। ओके भावन सर, इस फिल्म में मैं जो लॉयर है उसकी असिस्टेंट का मैंने कैरेक्टर निभाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कब रिलीज होगी। आई एम सो ग्लैड कि फाइनली वो वक्त आ गया और आई एम सो ग्लैड ऑल्सो ग्लैड कि एक और OTT आया है जिसपे एक्टर को और मौका मिलेगा, खेलने का मौका मिलेगा, काम करने को मौका मिलेगा, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि वी विश ऑल द बेस्ट टू स्टोरी डेक एज एन OTT प्लेटफॉर्म। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आगे बढ़े और जो ऑर्गेनाइजर्स है गुप्ता जी और सब उनके लिए भी बहुत अच्छा हो। एंड कपिल है जो ही इज़ पार्ट ऑफ द होल थिंग ऑल्सो, सो आई विश कपिल ऑल द बेस्ट ऑल्सो एंड आई होप दिस डज रियली वेल, अच्छे से पूरा हो जाए। मैं हमारी यही शुभकामनाएँ और दुआएँ हैं। और आशुतोष को तो आप जानते ही हैं, तो ही इज़ बीन इन रोडीज, बिग बॉक्स भी जीत चुके हैं और बहुत सारा काम कर चुके हैं और हमारे लिए तो भाई, दोनों मेरे भाई हैं तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं आप ही सभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म आने वाला फ्यूचर है और फ्यूचर में हम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना चीज़ों को देख रहे हैं और कितना गौर से देख रहे हैं, उतने ही हम उसमें या हमारा OTT उसमें दिखेगा। भैया मैं तो इतना लाइक करता हूँ क्योंकि मैं मोस्टली दिल्ली या नोएडा या अपने होम टाउन सहारनपुर रहता हूँ, वहाँ पढ़ रहा है इस वक्त जाटा थिएटर, अपने बस का नहीं है जाना, घर में बैठ के बड़ा थिएटर जैसा बढ़िया OTT पे इतना अच्छा सुंदर सस्ता और टिकाऊ OTT। बट ओनली थिंग मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रमोट ओनली OTT विच गिव्स यू गुड कंटेंट, मैसेज बेस्ड है बाकी चीज़ें, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता ऐसी है कि हमें अच्छे तरीक़ों से आगे बढ़ना है। मैंने भी फिल्में बहुत सारी की, हम आपके हैं कौन किया, कुछ सब कुछ किया, वो उस वक्त किया जिस वक्त ट्रेंड बहुत गंदा था, तो हमने ट्रेंड चेंज किया उधर भी। तो OTT ये आई इवन टेल द स्टोरी डेक के जो ऑर्गेनाइजर्स है कि टेक गुड कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट, क्योंकि इतनी गंदगी मच गई है कुछ कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पे विच इज़ नॉट गुड एज पर द इंडियन कल्चर। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई आई विश यू नो मीडिया के माध्यम से अगर आप ये सही मैसेज पहुँचाएंगे तो सही लोग आएंगे और क्या, नहीं तो फ्यूचर ख़राब होगा बिकॉज यंगस्टर्स सब गलत देखते हैं और फिर गलत करते हैं, तो हिंदुस्तान क्या मतलब, मैं बोलती हूँ ना बेड़ा घर हो जाएगा अगर ये कंटिन्यू हुआ। OTT का मतलब ये होता है ओवर द टॉप रहें अपने सही डायरेक्शन में, ओवर द टॉप। यस यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी तरफ से तो मेरी पूरी स्टोरी डेक की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मेहनत की हम लोगों ने, काफ़ी टाइम से लगे हरीश जी, पल्लवी मैम। एंड OTT इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना कि आज हम लोग सब कैब में जाते हैं, ऑटो रिक्शा में जाते हैं, लोकल ट्रेन में जाते हैं, तो वो लोग भी इंटरटेन हो रहे हैं, मैसेज पहुंच रहा है। पहले आदमी को क्या था ना कि भाई फैमिली को लेके थिएटर जाना है, एक बजट तय करना है कि इस बजट के लिए पॉपकॉर्न का बजट रखना है, आज क्या आदमी घर में लगा के अपना आराम से इंटरटेन हो जाता है। और कंटेंट बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आ गए हैं और हमारे स्टोरी डेक में भी बहुत प्यारी प्यारी वेब सीरीज आने वाली हैं, बहुत प्यारे प्यारे वो आप लोगों को मालूम चलेगा जी। बाकी मेरी तरफ से तो स्टोरी डेक को बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। वी वुड लाइक टू कॉल द ऑर्गेनाइजर पल्लवी ऑन स्टेज आल्सो, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज गेट रियली रियली गुड कंटेंट सो दैट द यूथ फॉलोज दैट एंड यू बिकम द आइकॉन टू स्प्रेड दैट मैसेज कि अच्छे काम करो और अच्छे चीज़ों में आप आगे बढ़ोगे तो अच्छा सबके लिए होगा। थैंक यू, वी विल ट्राई टू कीप आवर बेस्ट, दैट्स अ प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, वी विल ऑलवेज बी डूइंग आवर बेस्ट। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू एंड आई होप यू रियली सक्सीड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Yeah, I'm very happy and finally we were waiting for this day to happen and finally this is happening and I congratulate him from the bottom of my heart and hamara OTT platform bahut acha kare iski for success ke liye bahut sari best wishes. Aur OTT platforms mein kya kuch aap chahti hai hona chahiye ya kya kuch karna chahiye binge watch karna jaise aapko family aur possible se dekhne wale ji kya kuch to mere hisab se to ye platform
में अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट हमारे मतलब प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, जैसे कि हमारा है मेरा बाप कौन है, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, सब पूरा फैमिली मिलके साथ में बैठ के देख सकते हैं, बच्चे तक बैठ के देख सकते हैं, तो आई थिंक उस तरीके के प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, थ्रिलर होना चाहिए और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसको हम सब लोग देखें और मतलब किसी तरीके का कोई ऑकवर्ड फीलिंग ना हो इन फ्रंट ऑफ आर फैमिली और यू नो, सो दैट काइंड ऑफ रेप्यूटेड एंड रिस्पेक्टफुल प्रोजेक्ट्स. जी सो अभी तो एक्चुअली मैं सेवेंथ हेवन पे हूँ कि मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए हैं नवंबर में ही, थिएटर एंड ओटीटी, जिसमें से धारावी बैंक इज द बिगेस्ट हिट आई वुड से और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई एम रियली होपिंग कि लोगों को और ज़्यादा पसंद और लोग देखें एंड ऑफकोर्स हम लोग बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट बना था हमारा मेरा बाप कौन है, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और बच्चों से रिलेटेड है, तो जहाँ पे किड्स की बात आती है तो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. तो अब नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आर प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन सी माय फिल्म एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. My name is Kashyap and I would like to congratulate Pallavi ji and Anand ji for coming up with this OTT platform and bahut acha lagta hai jab koi ek naya OTT platform aata hai because it gives a lot of opportunities for us creative people, directors, artists and everyone to come up with new things, so really thankful and congratulating them on this lovely evening. I would like to congratulate Pallavi ji and Anand ji for this amazing launch party event of the OTT platform Story Deck. I wish them all the best and I hope it does amazingly well. Looking forward to working with them and all of you have a great evening. Thank you. All right, thank you all and Merry Christmas and Happy New Year in advance. Wow, main to behad excited hu kyunki aajkal hum sab jee rahe hain in the world of artificial intelligence aur baat ho rahi hai OTT platform ki aur is bada platform aaj koi nahi ho sakta. तो चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स हो, फीचर फिल्म्स हो, म्यूज़िक एल्बम्स हो, कॉमिक हो, ऑफ कोर्स एडवेंचर हो, थ्रिल हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम आ रहे हैं अब सिर्फ और सिर्फ देव मोशन पिक्चर्स पर. तो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी, सर का नाम ही आनंद गुप्ता है एंड मैम का पल्लवी गुप्ता, उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ हो ऑन दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमाहुड कि जहाँ पर सब सारे के सारे यू नो बी इट म्यूज़िक वीडियोज़ बी इट फिल्म्स शॉर्ट फिल्म्स हर एक आर्टिस्ट एक साथ आने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे. और आज हमारे एस्टीम डिग्निट्रीज आए हैं, हमारे सारे शोज़ का भी अनवीलिंग हम आज कर रहे हैं, जो ब्रांड्स हैं नाम है हमारे शो के, तो मैं बेहद एक्साइटेड हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एज द ऑफिशियल एंकर फॉर द ग्रैंड अनवीलिंग एंड द ग्रैंड लॉन्च. अ हम्बल थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू गाइज, थैंक यू. जी बिल्कुल, स्टोरी टेक के लिए भी बहुत सारी विशेज़ हैं, पल्लवी के लिए बहुत सारी विशेज़, आनंद के लिए और जितने लोग भी जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म से, चाहे वो एक्टर्स हों चाहे टेक्नीशियंस हों, मेरी तरफ से बेशुमार दुआएं और बहुत सारा प्यार सबके लिए, वो तो है ही है. जी जी जी, जिससे हमने शुरुआत की थी टेलीविज़न की, फिर उसके बाद कुछ टीवी डगमगा गया था बीच में, तो आई वुड लव के मैंने पल्लवी से अभी कहा कि भाई दोबारा से तुमसे काम मांगने की कोशिश होगी क्योंकि तुम वो बना रहे हो जो हम जिससे हमने शुरुआत की, तो फिर से वो दौर आएगा और फिर से कि हम कुछ और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे. तो वी आर ऑल वेट लोग क्या क्या बनाते हैं. जी जी, फिलहाल तो मैंने दो मूवीज़ किए तो इसलिए बीच में बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया क्योंकि लंबा गैप आ गया था, बट फिल्मों में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है बनिस्बत टीवी के, टेलीविज़न में बहुत चेंजेस आ गए हैं जब हमने शुरू किया था उसके मुकाबले में. टेलीविज़न में अब बहुत ज़्यादा चेंजेस है जो मेरे ख्याल में ये भी मेरे साथ माने काम करते थे उन दिनों, हमने बहुत काम किया साथ में आनंद जी ने और मैंने, तो वो चेंजेस आ गए हैं, अब फिर और चेंज आएगा. परिवर्तन तो होता ही रहेगा ना, और होना भी चाहिए बेशक. yes.
हाँ अभी है ना लोग, अभी पल्लवी लोग हैं, आनंद जी हैं, बाबू भाई चीबा हैं, सब लोग हैं, अब दोबारा से समेट के चलेंगे। नहीं, मैं तो बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा पल्लवी जी को, आनंद जी को, और बाबू भाई ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये कमाल कर जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। आप कुछ बोलेंगे कभी? या मैं बहुत विशेष देना चाहूँगा इनको, क्योंकि आज OTT प्लेटफॉर्म का जो एक इमेज बन गया है कि यंगस्टर्स ही बैठ के देखते हैं, बट अभी इनका एक नया आइडिया है कि लाइक स्टोरी डेक है, पूरी फैमिली बैठ के देखेगी। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट एंड विशिंग हर लक कि ये OTT प्लेटफॉर्म बहुत ऊपर और तरक्कियों पर जाए इंशाल्लाह। मैम आपकी नहीं, इनसे हम तो पहले ही हम स्ट्रगल कर चुके हैं। आप कैमरा के बिहाइंड में पहले ही बोल चुके हैं कि भैया हमें बुला लेना ऑफिस और साइन करवा लेना हमको बस। नहीं नहीं मैम, हमें ऑनर रहेगा कि हम आपके साथ काम। जरूर इंशाल्लाह, जरूर। आई रेसिप्रोकल। थैंक यू। स्टोरी डेक OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ विश है इस तरह के लिए मैम के लिए, जिन्होंने एक अच्छा एक अप्रोच लिया है, बेहतर जी? या सबसे पहले तो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी जो स्टोरी डेक करके एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए। हम सबको ज़रूरत है, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आएंगे, अच्छी मूवीज़ आएंगी, आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सबके लिए अच्छा है। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने, बहुत कम लोग होते हैं जो OTT चैनल ही लेके आ जाते हैं। हम सब लोगों को होता है कि हम मूवीज़ लेके जाएँ, ये लेके जाएँ, और डेफिनेटली मैम को एंड सर को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ये प्रोग्रेस करे, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हम बोलते कि अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स हो गया, Z5 हो गया, उस रेंज में आई होप ये जल्दी आ जाए। लाइक विशेज अर्पित है। हाँ, लॉकडाउन के बाद तो अभी OTT चल रहा है, तो मैं दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मैम और सर को, तो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। और आप सब लोगों को भी, आप सब लोग इतनी मेहनत करते हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। आते रहेंगे, यू विल नीड मोर एंटरटेनमेंट, मोर फन, बिकॉज नई स्टोरी, नया पैटर्न, नया काम करने का तरीका, और एक्टर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी है। आई एम सो हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन पल्लवी जी, एंड इनको बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, तो बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार भी मिलने वाला है डेफिनेटली। आई एम सो हैप्पी फॉर हर लॉट ऑफ सक्सेस, एंड होप आपको अमेजोन प्राइम जैसी सक्सेस मिले और हम सबको कुछ अच्छा नया और डिफरेंट देखने का मौका मिले। लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, लव यू ऑल, थैंक यू। जी जी, मैं आता हूँ जब हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे, हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हम बॉलीवुड में हमेशा से आते रहे, मुंबई में सिर्फ हमारा ऐसा था कि सिनेमा था, सिर्फ सिनेमा, और पिक्चर हॉल के लिए फिल्म्स बना करती थी। तब इतना स्ट्रगल था, बुरा हाल हो जाता था, हम लोग कैसे भटकते थे फ़ोटो ले लेके। उसके बाद TV आया तो बहुत सहारा हो गया, TV बहुत सारे लोगों के लिए किचन का साधन बना, और अब इतनी अच्छी किस्मत है हम लोगों की, हम उस शहरा में हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जिन्होंने भी ये लॉन्च किया है उनको, और ये कितनी हेल्प हो जाती है बहुत सारे नए जो एक्टर्स हैं जो आते हैं उन, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम दे रहे हैं। मैं एक बार दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के ये जो प्लेटफॉर्म इन्हें स्टोरी डेक शुरू किया है, ईश्वर इन्हें बहुत कामयाब करे, बहुत ऊँचाइयों तक ये जाए, और बहुत सारे लोगों का घर इनसे चलता रहे, मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, देखिए सिनेमा हमेशा हमारे समाज का दर्पण रहा है। हमने बहुत सारी, मैं अपना बताऊं, मैं बचपन में एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे सुबह, जिसमें ड्रग्स लेने वाले बच्चों की हालात दिखाई दी गई थी कि वो कैसे तड़पते थे जब उनको ड्रग्स नहीं मिलता था। फिर मैं स्ट्रगल करते हुए दिल्ली चला गया, मुझे स्मैक ऑफर हुई एक जगह पर कि स्मैक पी ले, बड़ा मज़ा आता है। मैंने नहीं पी क्योंकि मैंने सुबह देखा हुआ था। तो सिनेमा हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर डालता है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। मैं जो एक शो करता हूँ वो तो आपने जैसा कहा मैसेज देने का काम है, इसमें कोई शक नहीं। सिनेमा की हर स्टोरी, वो आपको नहीं समझ आ रही किसी को, तो भी वो कहीं ना कहीं एक मैसेज ज़रूर देती है। नहीं नहीं नहीं, अभी पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, ज़रूर कुछ अच्छा करूँगा। मैं आजकल वैसे Star Plus का एक शो करता हूँ, ये है चाहते हैं, जिसमें मैं पुलिस नहीं हूँ,
मैं उसमें बहुत इमोशनल फादर हूँ एक हीरोइन का, उस सीरियल की हीरोइन का। तो मैं, मुझे एक एक्टर के लिए सिर्फ एक रोल में बंधे रहना अच्छी बात नहीं होती है, तो मैं सौभाग्य समझता हूँ आजकल मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहा हूँ और आगे भी कुछ डिफरेंट मिले तो करूँगा, लेकिन मैं कभी पुलिस के लिए मना नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी शक्ल, मेरा ये सब गेटअप पुलिस नहीं लगता है। तो मैं ऐसे भी रहूँ, अच्छा आज भी वैसा बन गया। ये ऊपर वाले ने ऐसा बना के भेजा है सर, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप देखेंगे बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। आपके क्वेश्चंस का मैं वेट करती हूँ, आपको पता है ना। एज एन एक्टर बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, जब नहीं था OTT तब हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट अब आफ्टर कोविड एक हमारे लिए नई चीज़ खुल गई है कि OTT, और उसमें भी स्टोरी डेट जैसा एक अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म अगर हम सब एक्टर्स को मिलता है, मिल गया है आज, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं स्टोरी डे को प्रॉपरली यूज़ करने वाली हूँ। बिल्कुल, वीडियो रिलीज़ हो रहा है जी पे, आप लोगों ने सबने देख चुके हो, स्ट्रीमिंग है मेरा जी पे सीरीज़ विवेक ओबरॉय के साथ, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। अब 9th को अगेन रिलीज़ होने जा रहा है ओ डार्लिंग, सो बहुत बहुत खुश हूँ, और आप सब लोगों ने इतने प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया है मेरी सीरीज़ का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। अभी मैं आई हूँ तो मैं अंदर जाके पूछूंगी, अगर उन्होंने मना किया तो मैं साथ में चाकू छुरी भी लाई हूँ। तो मुझे अगर पूछोगे तो मैं हाँ ही बोलूँगी ना कि लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो ज़बरदस्ती ले लवाऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हो आप सब? एक्चुअली जो ये स्टोरी डेक है OTT आजकल मेरे ख्याल से हम सबकी ज़रूरत हो चुकी है। हमारे पास पहले सीरियल्स हुआ करती थी जो हम देख नहीं पाते थे, वो टाइम पे आते थे, हम लोग KBC वगैरह के लिए घर भाग के जाते थे कि कुछ देख लूँगा या कुछ इस तरह से होता है। तो अभी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हमारे फ़ोन में हैं, जहाँ हम हैं, जहाँ कंफर्टेबल है, जहाँ हमें थोड़ा टाइम मिला हम कुछ देख लेते हैं। तो मुझे लगता है ये जो OTT आने पर, और स्पेशली यू नो इस तरह से चैनल्स नई जो लॉन्च हो रही है, उन सब से हमारी कंफर्ट और ज़्यादा हो रही है, जिसके एंटरटेनमेंट में हमें कमी नहीं लग रही है। प्रोफेशनल पे टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब जी पे सीरियल किया लक्ष्मी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि फिर वापस वही, क्योंकि चैनल्स और वो सारी चीज़ों का बहुत होता है, OTT इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब भी कोई न्यू OTT लॉन्च होता है या मुझे कोई ऑफर जाती है, तो आई एम रियली एक्साइटेड। आई एम डूइंग ऑल्सो वन वेब सीरीज़ जो होल एंड सोल विल बी ऑन मी, कोई एक लड़की है जो यू नो बहुत स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में और इस तरह से, तो दैट इज़ अ सीरीज़ कमिंग, आई थिंक इन नेक्स्ट 2 months इट विल रिलीज। तो मेरे लिए तो आई एम रियली हैप्पी कि OTT प्लेटफॉर्म है। थैंक यू, थैंक यू। वी आर टूडे हेयर फॉर विशिंग देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ड्यूरिंग द कोविड OTT प्लेटफॉर्म्स हम मेकर्स के लिए बींग अ प्रोड्यूसर एक बहुत ही हेल्पिंग हैंड्स का काम किया, और डेफिनेटली एक एडिशन ऐड हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स में, तो आई एम सो हैप्पी। और थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ रही है और हमारा प्रोडक्ट्स कॉमन मैन तक पहुँच रहा है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो नए लोग हैं बॉलीवुड में, जितने नए एक्टर हैं नए, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये OTT प्लेटफॉर्म जो जितने खुल रहे हैं कि वो एक उनको प्लेटफॉर्म का एक मौका मिलता है, और ये टाइम जो प्रेजेंट में है ये बहुत अच्छा है कि OTT प्लेटफॉर्म इस तरीके से खुलते रहें और नए एक्टर को चांस मिलते रहें, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, या कितना
कितना बढ़िया है आप लोगों के लिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए और आप लोग अप्रोच करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छी बात है। एग्जैक्टली सी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और इससे नॉट ओनली द प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, एक्टर्स एंड कंप्लीट बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिल रही है। टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका टैलेंट बड़े बड़े फिल्मों के जो बड़े मेकर्स होते थे वो नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स नए टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और हम मेकर्स को नया टैलेंट जब हमें चाहिए होता है हमारी फिल्म में, तो हम OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही वो टैलेंट को हम देखते हैं और उनको फिर हम भी अपनी फिल्मों में अप्रोच करते हैं। यहाँ पहले क्या था, चे OTT प्लेटफॉर्म पे लोग आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि बॉलीवुड के जो बड़े पर्दे की फिल्म होती थी वो एक बहुत ज़्यादा OTT को बहुत छोटा समझते थे। बट आज की डेट में OTT सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, क्योंकि मैं खुद, मेरी 3 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और मेरी बहुत जल्द एक वेब सीरीज आने वाली है OTT पे। मैं एक सरप्राइज़ है, एक अच्छा मैंने काम किया है उसमें और उसमें मैंने लीड किया है, बहुत जल्द जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर मैं इन चीज़ से बहुत खुश हूँ OTT प्लेटफॉर्म से। यस, देखिए ये ना एक बहुत आसान तरीका है। बॉलीवुड एक, जब हम बड़े पर्दे की तरफ जाते हैं, बड़े पर्दे थिएटर में पिक्चर रिलीज होती है, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूसर्स के लिए और एक्टर के लिए थोड़ा टफ तो होता है। बट OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जो प्रोड्यूसर के लिए भी आसान रहता है और एक्टर के लिए भी रहता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि OTT प्लेटफॉर्म ना कि आपको मतलब करियर बनाता है, ना कि वो आपको एक मीन्स बहुत अच्छा आपको आगे बढ़ाने के चांस उसमें OTT प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रहते हैं। OTT प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि थिएटर पिक्चर थिएटर में चली और थिएटर में मतलब उसको क्या रिजल्ट रहा, चली या ना चली, पर OTT प्लेटफॉर्म तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और आम इंसान तो बहुत ही ज़्यादा करता है। ये OTT प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड जो है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं ना, मेरी तरफ से बहुत अच्छी बात है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिले और इसके माध्यम से नए एक्टरों को बहुत ज़्यादा चांस मिल रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि जो एक्टर बॉलीवुड में नहीं आते थे, बड़े पर्दे पे नहीं आया करते थे, वो एक्टर OTT पे ज़रूर आ रहे हैं और बहुत लोगों को चांस मिल रहा है। या थैंक यू। हाँ, मिस्टर आनंद गुप्ता एंड मिसेस पल्लवी गुप्ता का, देव मोशन पिक्चर का ये स्टोरी डेक लॉन्च होने जा रहा है आज। हमारे लिए खुशी की बात, आनंद की बात इसलिए है कि जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा कि स्टोरी डेक की क्या विशेषता होगी, तब उन्होंने मुझे बताया कि स्टोरी डेक है सारा क्लीन, जो OTT में होना मुश्किल है, सारा क्लीन कंटेंट देगी, फैमिली कंटेंट देगी कि सारा फैमिली ऑडियंस उसको बैठ के एंजॉय कर सकता है। इस तरह का कंटेंट वो क्रिएट करेंगे और जिस तरह के उनके प्लान्स हैं, वो प्लान्स देखते हुए मुझे लगता है कि स्टोरी डेक है बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत आगे जाएगा। और मैं कामना करता हूँ कि स्टोरी डेक है वो जिस तरह के सारे एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म इंडिया में हैं, जिस तरह के उनका नाम है, उसी तरह का नाम स्टोरी डेक का हो और स्टोरी डेक बहुत आगे बढ़े और सारी इंडियन टैलेंट को, उनको, सारे आर्टिस्ट को, सारे टेक्नीशियन को काम दें और उनको भी आगे बढ़ा। इस तरह की कामना करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले गुड इवनिंग और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत देर से, सबों का इतने देर से झेल रहे हैं, बोल रहे हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता आनंद गुप्ता जी का और उनको पार्टनर नेहा गुप्ता जी का। स्टोरी डेक जो है, स्टोरी डेक एक अपने आप एक अच्छी चीज़ लेके आ रहा है प्लेटफॉर्म। और आज यह सिनेरियो बहुत सारा चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है इसमें अपने नया कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं, तो पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। इन शॉर्ट में बोले कि लॉकडाउन ने एक नया चीज़ को जन्म दिया है, एक नई चीज़ को जन्म दिया है। उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो चैलेंज लेके आ रहे हैं स्टोरी डेक, उसमें आने वाला तमाम दर्शक तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। क्योंकि फिल्म सिर्फ सिनेमा पे या टीवी पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो वही चीज़ों को लेकर लेके आ रहे हैं। ज़्यादा क्या बोले, आप लोग को शायद बुलाया जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आनंद जी को और पूरी टीम को स्टोरी डेक को। थैंक यू। OTT प्लेटफॉर्म में एक अपना नया रेवोल्यूशन आया है। सच बात यह है कि पहले TV जब आया था तब एक नया प्लेटफॉर्म मिला था लोगों को काम करने के लिए एज एन एक्टर, और अभी जो है ये OTT की वजह से जो चीज़ें चल रही हैं, एक्टर्स को और ज़्यादा मौका मिला है काम करने का। सबसे अच्छी बात यह है कि OTT पे कंटेंट क्या है वो आपको घर में पहुंच रहा है आपके, तो आपको वो क्या चीज़ देखनी है और क्या नहीं देखनी है ये आपके हाथ में है, तो उसमें आपको अच्छी चीज़ दिखाना और आप लोगों को उसमें सहयोग देना, ये आप लोगों की और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें क्या देखना है, अपने बच्चों को क्या दिखाना है, ये एक सबसे बड़ा कंटेंट है। और उसके लिए एक टीम का हिस्सा बनना ज़रूरी है। कपिल ने हमको यहाँ बुलाया और कहा कि भाई इसमें, तो हम लोग एक पार्ट की तरह इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोगों को अच्छी चीज़ देखने को मिले, यही हमारी सबकी कामना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।